थाना से लगा लू भी थी, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या बात है? आप लोग अवगत ही हैं कि थाना सिकंदरा में 24 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें डॉक्टर रजनीकांत शर्मा है, इनके घर पर कुछ लोगों के जाने की सूचना मिली, चार लोग अंदर आए, इनके लोगों को बांधा उन्होंने, मारा पीटा थोड़ा बहुत, और उसके बाद वहां से सामान ले गए। ये हमारे पास सूचना आई थी। इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, एसपी साहब, एसपी सिटी साहब, हम लोग खुद भी गए थे, और जो चीजें समझ में आई उनसे काफी डिटेल पूछताछ की गई। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि पहले 23 तारीख को भी ये लोग आए थे और एक इनका प्लॉट है और घर है, उसको बेचने की बात हो रही थी 50 वर्ग गज का, और वो करीब 12 लाख 13 लाख में ये लोग बेचना चाह रहे थे, और निगोशिएट करते हुए 11 लाख तक बात आई थी, और उसमें 1 लाख रुपये बयाना देने के लिए तीन लोग गए थे पहले दिन 23 तारीख को, और उन्होंने अगले दिन आने की बात की। अगले दिन ये लोग फिर गए वहां पर और अंदर बैठ के बातचीत हुई, तो पता लगा कि जो डॉक्टर साहब हैं वो अपने फादर को दिखाने गए हैं, उसके बाद अपनी वाइफ को लेके गए, कहीं ना कहीं किसी का अल्ट्रासाउंड होना था, किसी की आंख का ऑपरेशन हुआ था। शाम को फाइनली सब लोग मिले, उस समय उन्होंने 1 लाख रुपए देने के नाम से दरवाजा बंद किया और अपने बैग से एक तमंचे, जो उनके पास तमंचे थे, और एक लाइटर भी यूज किया उन्होंने, जो पिस्टल शेप का लाइटर है, उससे उन्होंने उनको रोका और उसके बाद उनके सेलो टेप से हाथ पैर बांधे, फिर घर की तलाशी ली, और तलाशी के बाद जो सामान उन्होंने बताया, जो FIR में लिखवाया, वो 7 लाख रुपए कैश थे, 2 सोने की चेन, 2 अंगूठी, 1 कड़ा, 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल और 1 उनकी बाइक लेके गए थे, इतनी चीजें, और ATM के कुछ ATM डेबिट कार्ड ले गए थे। ये FIR में उन्होंने अंकित कराया। विस्तार से पूछताछ की गई और वहां हम लोगों ने 7 टीमें उसी तरफ उसी समय बना दी थी। एक नई SOP भी हम लोगों ने जारी की है 14 तारीख को, उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें निर्धारित की हैं। जैसे एक टीम जाएगी जो घटनास्थल का संरक्षण करेगी, सुरक्षित करेगी, दूसरी टीम सर्वेलेंस का काम करेगी, तीसरी टीम मौके में इंट्रोगेशन करेगी, वादी प्रतिवादी लोगों के साथ वहां डिटेल आसपास जानकारी निकालेगी, चौथी टीम CCTV सर्वेलेंस, BTS टावर सब और डेटा एनालिसिस करेगी, पांचवी टीम बदमाशों के बारे में सुराग रस्सी मुखबिरी करते हुए उनसे पूछताछ करेगी, छठवीं टीम विवेचकों की होगी जो विवेचना करेगी, सातवीं टीम जो प्रेस से डील करेगी, सोशल मीडिया ऑपरेट करेगी। इस तरह के अब सभी बड़े क्राइम्स के लिए SOP बना दी गई है। इसके तहत जब सब टीमें डिप्लाई हुई और इसमें काम करना शुरू किया तो कुछ फुटेजेस मिले, जिसमें 4 लड़के अलग अलग दो दो करके आना दिख रहे हैं, उनके द्वारा येलो टी शर्ट और एक के द्वारा मैरून और ब्राउन कलर का चेकदार शर्ट, एक का ब्लैक शर्ट, एक का व्हाइट शर्ट, पीछे पिट्ठू बैग टंगा हुआ दिख रहा है। ये फुटेज हमारे पास आ गए और जब पूछताछ घर वालों से की तो उन्होंने एग्जैक्टली इन्हीं कपड़ों में आना बताया, तो एक सुराग मिला। फिर हमने CCTV की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करी, सारे कैमरे देखे गए और बहुत सी टीमें SSP साहब ने बनाई, उनके एडिशनल साहब ने बनाई, करते करते ये लोकेशन आई हमारे पास, कुंडला के एक पेट्रोल पंप तक उनके जाने की लोकेशन मिली, और वो उसी मोटरबाइक से गए थे जो उनके यहाँ से मोटरसाइकिल ली गई थी। तो ये एक अहम सुराग था। फिर उसके आसपास पतारसी की गई तो ये पता लगा कि किसी की वहां लोकेशन हो सकती है, जो फिरोजाबाद का थोड़ा सा कॉन्टेक्ट निकला, और बाद में उसी आधार पर जब ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा विपिन नाम का एक लड़का है जिसकी फिरोजाबाद में रिलेशंस भी हैं, और उसके यहाँ ये लोग बाइक वगैरह रखने गए थे। अगले दिन फिर ये बाइक लेके आया, बाइक लेके फिर ये भागने की वहां से कोशिश कर रहा था जब हमें पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिली। बाकी लोगों ने वहीं ढाबे पे रात को खाना खाया शाम को, और ये वापस आए, बस से आए, फिर ऑटो से आए, फिर दूसरी ऑटो ली, इन्होंने कई साधन बदले, इसलिए भी जो पुलिस की चेकिंग थी उसमें ये लोग कहीं फिगर आउट नहीं हुए। और जब वापस आए तो ये एक यहां इन्होंने किराए से 2 घर लिए हुए, एक घर में विपिन रहता है और एक घर में अरुण पाल रहता है। अरुण पाल के घर में फिर बैठ के इन लोगों ने बंटवारा किया, वहां पे इनके 6-7 लोग आ गए जो इनके सारे लोग उस योजना में शामिल थे, सब लोगों के हिस्से बांटे गए, किसी के पास कोई गोल्ड का सामान गया, किसी के पास कैश गया, मोबाइल्स लिए और कुछ कड़े वगैरह जो ज्वेलरी थी वो बांटी आपस में, किसी ने लैपटॉप लिया, वो सब का डिटेल भी है किसने क्या क्या सामान लिया था। और इसके बाद ये रात अपने अपने घरों में और किराए के जो कमरे लिए थे वहां ये लोग सो गए। अगले दिन फिर ये बाइक लेके जाने की तैयारी में था जिसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनपुट मिला था हमें, तो विपिन और उसके साथ ओम नाम का एक लड़का, ये दो लड़के का नाम बाद में पता लगा, फिर इनसे जो आपका एक मोड़ है सुरारी सुनहरी चौराहा है वहां के, वहां पुलिस पार्टी के साथ इंटरसेप्शन हुआ, उस मुठभेड़ में फिर क्रॉस फायरिंग हुई, जो विपिन ने फायर किया, विपिन के पैर में गोली लगी और इस समय वो वहां मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल उनको इलाज के लिए भेजा गया है, और ओम नाम का लड़का था वो मौके से भागा। फिर जब विपिन से पूछताछ हुई
तो ऐसे और भी हमें नाम पता लगे जो लोग गए थे। तो चार लोग मुख्य घटना में उनके घर गए थे, वो विपिन, अरुण पाल, विशाल और गणेश, ये चार लड़के थे जो घर में जाके जिन्होंने उस दिन 24 तारीख को घटना की थी। और इस पूरी योजना को बनाने में एक सचिन नाम का लड़का था, एक लखन था और एक मनीष था, ये तीन नाम और निकले और एक ओम था। तो ये चार लोग ऐसे थे जो घटनाकारित करने नहीं गए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। जैसे लखन की दुकान मोबाइल शॉप की उसकी शॉप है मोबाइल की, तो उसने इनको समझाया कि कैसे अपने मोबाइल यूज नहीं करना है, कहाँ पर मोबाइल बंद कर देना है, कहाँ जाके चालू करना है। फिर उसकी बाइक से ये लोग इकट्ठे भी हुए थे, आने जाने का टाइम भी लखन की बाइक से किया गया। सचिन ने पूरी विपिन के साथ मिलकर मुखबिरी की थी, उसमें ये पता लगा पूछताछ से कि इन्होंने एक पहले अपना मकान बेचा है, वो 14.5 लाख में मकान बेचा गया जो विपिन और सचिन ने अपने ही परिचितों को दिलवाया था, इनफैक्ट रिश्तेदारी थे दूर के, और उसमें 2 लाख रुपए का उनको वो भी मिला था जो मध्यस्थता की डील होती है उसका कमीशन। उन्होंने जब ये बताया कि 13.5-14 लाख तो इनके पास घर में होने चाहिए या कुछ खर्च भी हो गए होंगे, और दूसरी जगह भी ये मकान छोटा सा बेचने की बात कर रहे हैं, तो इस आधार पे इस मुखबिरी पे इन लोगों ने फिर एक दिन पहले जो फिर स्टोरी थी कि 23 तारीख को गए वहां मिले उनसे बातचीत की। तो सब लड़के आसपास के केके नगर और उसके आसपास की मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की विस्मृति में रहने वाले हैं। और इसमें से जो एक विपिन है ये पहले एक बार हरि पर्वत के मर्डर में जेल भी जा चुका है, और उसमें भी लूट और हत्या लिखी गई थी, और करीब 70 साल के एक आदमी की उसमें हत्या हुई थी और उसका सामान लूटा गया था, उस समय भी ये 5 महीने जेल रह के आया है। तो इसका एक मास्टरमाइंड इस घटना का पूरा विपिन था जिसको सचिन ने सहयोग किया, लखन के रिसोर्सेज यूज हुए, मनीष ने इनको बाहर से सपोर्ट किया, इनके पास तमंचे थे अलग अलग जगहों से खरीदे थे, इनको नाम दिया है मथुरा से जिस जगह से तमंचा खरीदा था उस व्यक्ति का भी नाम आ गया, वो भी हमारे टारगेट लिस्ट में है, और बाकी जो पुलिस पार्टी ने इनको सबको फिर आज पकड़ा है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और जैसा आप लोगों ने खुद ही इसको समझाया कि 36 घंटे के अंदर ही घटना वर्कआउट भी हो गई है, और 8 में से 7 अभी पकड़ भी लिए गए हैं, एक मुठभेड़ में घायल हुआ है, 100% ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो गई है, क्योंकि जो 5-10-20 हजार 15 हजार इन्होंने खर्च कर दिए अपने छोटे छोटे कामों के लिए उसको भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया है। सारी घड़ियां, सारे मोबाइल्स, लैपटॉप सब चीजें बरामद हुई हैं, यहां तक कि वादी पक्ष ने 7 मोबाइल जाना दिखाया था अपनी घटना में, लेकिन 10 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 8 और 7 और मोबाइल हैं जो अभियुक्तों के भी बरामद किए गए हैं, जो उनके अपने मोबाइल्स थे पर्सनल, अब उनकी CBR एनालिसिस वगैरह से भी डिटेल निकाला जाएगा। और सर्विलेंस टीम और SOG टीम ने बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया है, जिसमें खासतौर पर इंस्पेक्टर सिकंदरा कमलेश हैं, सर्विलेंस प्रभारी नरेंद्र, सदर के और हरि पर्वत के इंस्पेक्टर्स अजय और अरविंद, और इनकी पूरी टीम थी। इन सब लोगों को ADG जोन साहब से भी मेरी बात हुई है, हम लोगों ने अपनी तरफ से 50,000 रुपये का इस टीम को इनाम दिया है, और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। थैंक यू।